हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वर्क लीजर ट्रैवल बैकपैक के बारे में। ये बैकपैक वो बैकपैक होते हैं जिसे आप ऑफिस और वर्क के साथ साथ ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वर्क पर यूज़ करना है, जैसे कि ऑफिस में यूज़ करना है, तो इन्हें कंप्रेस करके आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हो। साथ ही अगर ट्रैवल में यूज़ करना है तो इनको एक्सपेंड करके करीब 2 से 3 दिन के लिए आप ट्रैवल में यूज़ कर सकते हो। आप में से काफ़ी दोस्तों के भी कमेंट आ रखे थे कि हमें फ्लाइट में कैबिन में कौन सा बैकपैक है जो हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये जो तीनों बैकपैक हैं, आप इन्हें कैबिन में भी ले जा सकते हैं। ये जो बैकपैक है, ये है सफारी का सीक 45 लीटर, ये एरिस्टोक्रेट का 45 लीटर, ये है गेयर टर्बो 45 लीटर। ये तीनों बैकपैक जो हैं वो 45 लीटर के हैं। और हम आपको बता दें, ये जो बैकपैक होने वाले हैं ये 2500 के अंदर बैकपैक हैं जो आपके बजट में आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी रेंज में। और हमने इन बैगों को जो सिलेक्ट किया है, कस्टमर के रिव्यू के हिसाब से सिलेक्ट किया है, कस्टमर के अच्छे रिव्यू हैं इन बैगों को लेकर। तो इस वीडियो में आपको मैं इसके प्राइस भी बताने वाला हूँ और इसके सारे फीचर्स भी को ओपन करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में, जल्दी से हम इन बैगों को ओपन करते हैं और इनके सारे फीचर्स को आपके सामने लाते हैं और इनका डिफरेंस भी आपको दिखाएंगे हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं गियर का टर्बो 45 लीटर पर। ये बैकपैक का जो मटेरियल है, जो बताया जा रहा है, वो है पॉलिस्टर। और मैं जो इस बैग के टेक्सचर को फील कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ कुछ ये रैक्सीन के टाइप का लग रहा है। अगर इस पर बारिश होती है, अगर थोड़ा बहुत पानी गिरता है, तो इस पर आराम से वो फिसल जाएगा और वो रुकेगा नहीं। तो मुझे थोड़ा बहुत तो ये वाटरप्रूफ लग रहा है, ऐसा कोई क्लेम कंपनी ने किया नहीं है साइड पर। और मैं इसकी चैन की बात करूं तो चैन का जो लॉक है वो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है और चैन को लगाते में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी फील हो रही है। अब इसके हम चलते हैं साइड पर। कंप्रेशन स्ट्रैप दी हुई है 2। अगर मैं इसके कंप्रेशन स्ट्रैप के बकल की बात करूँ, बहुत ही हल्का बकल दिया हुआ है, बहुत हल्का। इनको खोलने के बाद मेरे को एक बोतल का यहाँ होल्डर मिलता है यहाँ पर। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 लीटर की बोतल को हम लगा सकते हैं, इससे ऊपर हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही एक्सपेंड हो रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। इस साइड भी 2 कंप्रेशन स्ट्रैप दी हुई हैं। इस साइड बोतल होल्डर नहीं है, सूटकेस टाइप हैंडल दिया हुआ है, तो काफ़ी पैडेड है, अच्छे से होल्ड कर सकते हो। इसकी अगर मैं सिलाई की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी सिलाई भी कर रखी है, पहली सिलाई है, देन हार्ड कोर स्टिचिंग कर रखी है इस पर, तो स्टिचिंग भी मेरे को सही लग रही है। अब मैं चलूँगा इसके बैक की तरफ। तो बैक पर फॉर्म के साथ साथ मैश दिया हुआ है कंप्लीट। तो इसमें ब्रीथ के लिए तो मेरे को कोई जगह लग नहीं रही है कि ब्रीथ के लिए कोई जगह छोड़ी हुई है। और मैं अगर इसके शोल्डर स्ट्रैप्स की बात करूँ तो शोल्डर स्ट्रैप्स के साथ साथ ये लोड लिफ्टर दिया हुआ है, जिससे आप इसके स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर सकते हो अपने शोल्डर्स के हिसाब से। अगर मैं इसकी स्ट्रैप्स की बात करूँ, इस पर फॉर्म और मैस का अच्छा खासा मोटाई दी हुई है, अच्छा खासा कंफर्ट फील करोगे आप इसे पहनने के बाद। और इसके नीचे की तरफ चलें तो ये दी हुई है आपको चेस्ट स्ट्रैप। इन्होंने फीचर जो दिया हुआ है, जो मैंने मोस्टली बैकपैकों में देखा है, वो यहाँ रबड़ लगाई हुई है, इलास्टिक जैसे बोलते हैं, जिससे कि आप चेस्ट के अकॉर्डिंग ये ओपन होगी और आपको कम्फर्ट फील कराएगी। बट मेरे को जो इसका बकल है वो बहुत लाइट है, इतना कोई हैवी नहीं नजर आ रहा, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। हम चलते हैं इसके बैक की तरफ। जैसे हम बैक की बात कर रहे थे तो इसमें एक फीचर दिया हुआ है, ये जो बेल्ट है लगे, इसके जो हैंडल होता है जिससे आप खींचते हो, उसमें लगा सकते हो, उसको खींच कर ले जा सकते हो उसी के साथ। और इसी के साथ एक ये नॉट दी हुई है, इससे आप इस बैग को कहीं भी टांग सकते हो। एक नॉट और ऊपर दी हुई है, इससे आप होल्ड भी कर सकते हो इस बैग को, अदरवाइज इसे लटकाने के लिए भी हो सकती है ये बेल्ट। और इसके अगर ऊपर की बात करें तो सेम एज एक हैंडल यहाँ भी दिया हुआ है, ये भी जैसे कि बैग में फॉर्म यूज़ हुई है, वैसे ही सेम फॉर्म और मैस यूज़ कर रखी है यहाँ भी। तो एक हैंडल इधर हो जाता है, एक हैंडल इधर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके कंपार्टमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंपार्टमेंट की ओर चलते हैं। तो ये पॉकेट जो दी हुई है, ऐसे हम पॉकेट यूटिलिटी पॉकेट बोल सकते हैं, इसमें काफ़ी स्पेस है, इसमें आप सनग्लासेस या कुछ भी चार्जर या मतलब छोटी मोटी चीज़ें आप आराम से रख सकते हो। हम चलते हैं मेन कंपार्टमेंट की ओर। ये है आपका मेन कंपार्टमेंट। तो मेन कंपार्टमेंट एज ए सूटकेस की तरह ये ओपन होता है, जिसकी हाइट है तो यहाँ तक, बट मैंने इसे एक्सटेंड करने का फीचर भी है, जिससे कि मैंने ये एक्सटेंड और कर रखा है, तो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर आ जाती है इसको ओपन करने के बाद। तो इसमें अच्छे खासे करीब 3 से 4 दिन के आप कपड़े रख सकते हो बहुत आराम से। अगर आपको ऑफिस जाना है तो इसको आप क्लोज करके और आप एज ए बैकपैक
मतलब ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको फाइल्स के लिए भी रखा हुआ है, अगर आपको ट्रैवल पर जाना है तो इसमें टी शर्ट या कोई भी लाइट वेट आपके पेपर वर्क जो होते हैं वो रख सकते हो, और आपकी टी शर्ट या शर्ट वो आ सकती है जो कि इसमें सेपरेट हो सकती है इस मैस में। तो इसमें काफ़ी स्पेस मेरे को नज़र आ रहा है, करीब 7 से 8 इंच का तो स्पेस है इसमें। और इसको एक स्ट्रैप दी हुई है, अगर आप इसमें कपड़े रखते हो देन द कपड़े रखने के बाद आप इस स्ट्रैप को लगाइए और आपके कपड़े कहीं इधर से उधर गिरने में भी नहीं आएंगे। ये जो स्ट्रैप है ये इलास्टिक की है, ऐसा नहीं है, अगर आपका बैग कपड़े थोड़े ज़्यादा भी होते हैं तो ये स्ट्रेच कर सकते हैं आराम से। तो ये तो हो गई मेन कंपार्टमेंट की बात, अब चलते हैं हम लैपटॉप कंपार्टमेंट की तरफ। जो इसका लैपटॉप कंपार्टमेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल बैक साइड में। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें हमें प्लास्टिक के साथ साथ वेलक्रो लगी मिलती है, जिससे कि आपको ये जो लैपटॉप होगा वो आपका इधर उधर नहीं जाएगा। 15.6 इंच का आप लैपटॉप इसमें कैरी कर सकते हो, जो कंपनी क्लेम कर रही है अमेजोन पर। इसी के साथ साथ ऊपर भी छोटे छोटे पॉकेट दे रखे हैं, जिसमें आप हार्ड ड्राइव कुछ केबल्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पेन को भी रख सकते हो यहाँ पर, और ऊपर कुछ फाइल हो आपको वो भी रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, इसमें नीचे रेन कवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, जो कि अटैच नहीं है। अटैच ना होने की वजह से क्या होता है, आपके जो ये होते हैं रेन कवर अक्सर खो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप बाइक पर चलते हो तो हवा इतनी तेज होती है कि वो जो कवर में एक बार हवा चली जाती है मतलब रेन कवर में, तो वो पीछे उड़ जाता है। तो वो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका ये रेन कवर पीछे उड़ सकता है। तो जैसा कि अब मैंने इस बैग के फीचर दिखाए, अब इसके बैग के प्राइस, वेट और इसकी वारंटी पर चलते हैं। तो जैसा कि हमें कंपनी से जो हमें अमेजोन से मिला है, इसका प्राइस है 1995 रुपये इसका प्राइस है, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और जो इसकी हमें वारंटी मिलती है वो नो वारंटी है, कंपनी इस पर कोई वारंटी नहीं देती। इस पर हमें 30 डेज की रिटर्न जरूर मिलती है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप 30 डेज में इसको रिटर्न कर सकते हैं। और इसका जो वेट है 950 ग्राम इसका कंपनी वेट बता रही है, बट मेरे को नहीं लगता कि ये 400 ग्राम से मेरे को ज़्यादा ये होगा। तो जो इसकी डायमेंशन है वो 33x26x53 सेंटीमीटर इसकी जो डायमेंशन है। और इसके कस्टमर रिव्यू की बात करें तो जैसे हमें आपको दिख रहे होंगे वो इस तरीके से कस्टमर ने रिव्यू करे हुए हैं। और इसकी रेटिंग की बात करें, जो अमेजोन पर रेटिंग दी हुई है वो 4.5 स्टार दी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैग सफारी की तरफ। तो दोस्तों, तो काफ़ी ब्रांडिंग इन्होंने की हुई है। अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो हमें ऑन साइड जो मटेरियल बताया गया है वो है पॉलिस्टर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तो क्लोथ लग रहा है बट यहाँ पर मेरे को कुछ वैक्सीन होता है उस तरीके का फैब्रिक लग रहा है यहाँ पर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर पानी गिरा जाता है तो यहाँ से आराम से फिसल कर नीचे जा सकता है, बट ये मेरे को लग रहा है कि अगर इस पर पानी गिरेगा तो ये पी जाएगा पानी को। हम इसकी चेनों की बात करें तो काफ़ी इधर से उधर मूव कर पा रहा हूँ मैं, और इसकी क्वालिटी जो मेरे को लग रही है, जैसे मैंने YKK की यूज़ की है, इस पर कोई ब्रांडिंग तो नहीं है बट ये YKK की है। अब चलते हैं हम इनकी साइड पर। तो साइड में जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये दो कंप्रेशन स्ट्रैप दे रखी हैं। इधर तो आपको जो मिलेगा ये जी हुक मिलेगा, जो आप आराम से इस तरीके से इसमें हुक कर सकते हो। जो ये जी हुक है, मैं आपको बता दूं, ये मेटल का है। ये तो हो गया इस साइड की बात। इसी तरीके से हम दूसरी साइड चलते हैं। इस साइड भी सेम ही दो कंप्रेशन स्ट्रैप दे रखी हैं, वही जी हुक। और बकल की बात करूं तो मैं इसका बकल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है कंपेरिजन टू गेयर। गेयर का जो था वो बहुत हल्का तो ये भी है मैंने, और जो देखा है अच्छी क्वालिटी का जो अच्छे ब्रांड है उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग बकल यूज होते हैं, बट ये भी अच्छा है। इस साइड में जैसे कि ब्रेफ केस में एक हैंडल होता है, उसी तरीके से यहाँ भी हैंडल दिया गया है। इसमें काफ़ी मैश विद फॉर्म के साथ ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आप बहुत अच्छे से। और अगर स्टिचिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्टिचिंग इन्होंने की हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें काफ़ी डबल स्टिचिंग है जो इसके हैंडलों पर भी है। तो अब हम चलते हैं बैक की तरफ। बैक में अगर हम हार्नेसेस की बात करें, एडजस्टमेंट के लिए एक ऊपर स्ट्रैप दे रखी है, जिससे आप लोड लिफ्ट करके अपने शोल्डर के हिसाब से इन स्ट्रैप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं शोल्डर स्ट्रैप्स पर। तो शोल्डर स्ट्रैप जो हैं काफ़ी अच्छे कुशन है, फॉर्म के साथ साथ मैश दी हुई है, जो मैश है आपको बड़ा कम्फर्ट फील कराती है। और इसकी बकल की, ये जो बकल है इसकी बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, और स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। क्रॉस स्टिचिंग के बाद इसमें एक और स्टिचिंग दी गई है जिससे कि ये उखड़े ना। इसी के साथ इसमें चेस्ट स्ट्रैप दी हुई है, जो चेस्ट स्ट्रैप है वो एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने चेस्ट
चेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे जो भी करना है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बट इसमें जो मेरे को नजर आ रहा है कि वो लास्टिक नहीं दी हुई, इसी के हिसाब से इन्होंने एक स्ट्रैप दी हुई है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जो शोल्डर स्ट्रैप है उस पर एक हुक दे रखा है जिसमें आप जैसे कि आप ग्लासेस या अपनी बोतल को हैंग कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज मेरे को नजर आ रही है कंपेयर टू गियर। अगर हम बैक कुशन की बात करें तो इसमें काफी अच्छा कुशन दे रखा है और इसमें एयर जो आपकी ब्रीदिबिलिटी के लिए काफी ये टी टाइप का बना रखा है, इसमें अच्छा खासा आप एयर ब्रीदिंग मेरे हिसाब से हो जाएगी। काफी अच्छी बैक जो पोस्चर है काफी अच्छा दिया हुआ है और इसमें काफी ज्यादा स्टिचिंग करी हुई है जिससे कि आपके शोल्डर पर अगर वेट पड़ता है तो ये उखड़कर ना भागे। तो इसमें काफी बैक पर काफी ध्यान दिया गया है। अब इसके टॉप की तरफ चलते हैं तो टॉप में तो एक ये हैंगिंग स्ट्रैप दे रखी है कि जिससे कि आप बैक को आराम से ऐसे टांग सकते हैं। एक आपको उठाने के लिए दे रखी है, तो एक तो हैंडल यहाँ हो जाता है, एक साइड में हो जाता है, तो दो हैंडल हैं ब्रीफकेस की तरह एंड द बैकपैक की तरह। अब हम चलते हैं इसके कंपार्टमेंट्स की तरफ। तो हम सबसे पहले करते हैं यूटिलिटी पॉकेट की बात। तो ये यूटिलिटी पॉकेट दे रखा है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, आप इसमें चश्मा, एयरफोन और भी जरूरी आइटम्स काफ़ी रख सकते हो आराम से। और इसमें एक और फीचर जो दे रखा है की के लिए, तो आप क्या होता है जैसे कि आप की होती है घर की अक्सर या कार या बाइक की, तो आप इसमें हैंग कर कर की को रख सकते हैं। अगर हम इसके मेन कंपार्टमेंट की बात करें तो मेन कंपार्टमेंट वही सेम जैसा गियर में था, वही सेम इसमें भी सूटकेस स्टाइल में दिया हुआ है। वही इसमें ये स्ट्रैप दी हुई है जिससे हम कपड़ों को रोक सकते हैं कि इधर उधर मतलब वो गिरे ना। और इसमें चाहे तो आप जैसे कि ऑफिस जा रहे हो तो आप इसमें कम सामान रखकर कंप्रेस कर जा सकते हो। अगर आपको जाना है ट्रैवल पर तो इसमें करीब 4 इंच के करीब इसमें आपको मिलता है ऐसे। और इसमें एक और जैसे कि गियर में फीचर दिया हुआ था वही सेम फीचर इसमें भी दिया हुआ है, अगर आपका ट्रिप लंबा है तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो इसमें एक्सपेंड का भी फीचर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम आप इसको ओपन कर देते हैं जिससे कि ये काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। तो करीब ये भी 10 लीटर अराउंड आपका एक्सटेंड हो जाएगा, 10 लीटर मान सकते हैं इसको। अदरवाइज हम इसको 7 to 8 inch कहेंगे कि जो आपका ये लगेज रखने के लिए जगह बन जाती है। अगर आपको ऑफिस में यूज़ करना है तो इसे फोल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आपको ट्रैवल पे यूज़ करना है तो इसको ओपन करके आप इसमें काफ़ी लगेज जो है भर सकते हो। आपका लगेज ज़्यादा है तो आप यहाँ जो इसकी मैच दे रखी है इसमें भी आप सामान रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, फाइल रख सकते हो जो आपके ऑफिस में भी काम आ सकती है आराम से, और ट्रैवल पर जा रहे हो तो वहाँ भी आपकी जो टी शर्ट्स हैं कुछ क्लोथ्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं इसमें भी। तो ये तो हो गया आपका मेन कंपार्टमेंट। अब चलते हैं हम इसके लैपटॉप कंपार्टमेंट की तरफ। तो ये आपकी लैपटॉप की कंपार्टमेंट दी हुई है, जिस तरीके से गियर में दी हुई थी उसी तरीके से इसमें भी सेम ही कंपार्टमेंट दी हुई है, रोकने के लिए लैपटॉप के लिए स्ट्रैप दी हुई है। तो कंपनी जो इसमें क्लेम कर रही है वो 17 इंच का लैपटॉप का क्लेम कर रही है, बट मेरे को लग रहा है कि इसमें 15 इंच का ही लैपटॉप आज आ पाएगा, 15-15.5 इंच का। इसके ऊपर कुछ एक कंपार्टमेंट दे रखा है छोटा सा, इसमें आप अपना आईपैड रख सकते हो और इसके अलावा इसके ऊपर आप कुछ अपनी फाइल या उस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ आप रख सकते हो। और इसकी पैड की बात मैं करूँ तो काफ़ी अच्छा पैड दिया हुआ है, इसमें फोम भी अच्छी खासी यूज़ हुई है जिससे कि इसमें जो शॉक है लैपटॉप पर लग नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने बैक पर सपोर्ट दी हुई है। इसमें एक एडिशनल जिस तरीके से आपका गियर में दिया हुआ था इस तरीके से इसमें जो रेन कवर है इसमें भी दिया हुआ है रेन कवर। देखते हैं इसका रेन कवर कैसा है, अटैच है क्या है। जैसे कि गियर में क्या था वो अटैच नहीं था, एक थ्रेड के थ्रू इसमें अटैच है, इससे क्या होता है कि ये उड़ेगा नहीं। इस पर ब्रांडिंग भी हो रखी है सफारी की यहाँ पर, तो इसके साथ एक रेन कवर भी आपको मिलता है। अब मैं बताता हूँ इस बैग के प्राइस, वेट और इसका जो है वारंटी क्या है। तो दोस्तों इस बैग के जो प्राइस हैं अमेजोन पर हमें मिले हैं वो 2399 हैं, तो इसका जो वारंटी है वो 18 महीने है। जो इसका वेट बताया गया है वो 490 ग्राम बताया गया है और इसकी जो डायमेंशन है वो 53 cm x 32 cm x 27 cm है। और इसको जो बनाया गया है वो चाइना में बना है और आप देख पा रहे होंगे साइड में कस्टमर रिव्यू, तो ये कस्टमर रिव्यू हैं जो काफ़ी रिव्यू हुए हैं इस बैकपैक पर, जो रेटिंग है इसकी 4.5 स्टार है। तो अब चलते हैं एरिस्टोक्रेट बैग की तरफ। ये बैग का जो मटेरियल है वो पॉलिस्टर है सेम एज दोनों बैग की तरह। तो अब चलते हैं हम साइड की तरफ। साइड में हमें एक कंप्रेशन स्ट्रैप दे रखी है, ओनली एक कंप्रेशन स्ट्रैप है जैसे कि उनमें दो दे रखी थी, इसमें भी बोतल होल्डर दे रखा है साइड में।
और साथ ही इसके नीचे एक चेन दी हुई है जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ों को रख सकते हो, जैसे कि आपके एयरफोन हो गए या हैंड सैनिटाइजर हो गया या कुछ छोटा मोटा आइटम है तो आप इसमें आप आसानी से रख सकते हो। अगर मैं इसकी चेन की बात करूं तो मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ठीक चेन है, YKK तो नहीं है। अब हम चलते हैं सेम एज दूसरे साइड भी एक कंप्रेशन स्ट्रैप दी हुई है और इसी के साथ साथ एक और बोतल होल्डर दे रखा है। जैसे कि सफारी में तो बोतल होल्डर है ही नहीं और गियर में है तो एक तरफ है, इसमें बट दोनों तरफ आपको बोतल होल्डर दिया हुआ है और उसी तरीके से एक चैन इधर भी दे रखी है जिसमें आप कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो इसकी दोनों तरफ ही दोनों साइडों में सेम पॉकेट उधर भी है इधर भी है, यही बोतल होल्डर उधर भी है इधर भी है। अब हम चलते हैं इसके बैक की तरफ। तो बैक स्ट्रैप जो है इसकी ठीक ठाक थिकनेस दी हुई है, इतनी भी नहीं है जितनी सफारी में थी, तो इसमें कोई ऐसा लोड लिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ स्ट्रैप नहीं दी हुई है इसमें। ज़रूर हाँ चेस्ट स्ट्रैप इसमें दे रखी है जिसे आप यहाँ से स्ट्रैप को अपने चेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ढीला कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका चेस्ट स्ट्रैप। बट मेरे को जो इसका बकल है बहुत मतलब मुश्किल हो रही है खोलने में और बहुत ही मुश्किल हो रही है लगाने में, हो सकता है नए हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें जो वेस्ट बेल्ट है वो एडिशनल है, औरों में नहीं थी, इसमें है। पैडिंग है वो तो सेम ही है जो कि इस बैक के स्ट्रैप्स में दे रखी है, शोल्डर स्ट्रैप में। तो जैसे कि ये देखो आप, ये बहुत छोटी नज़र आ रही है, ये देख रहे हो, ये थोड़ा और बड़ी होनी चाहिए थी जिससे कि और अराउंड होती आपके तो बैक पर अच्छे तरीके से कवर हो पाती, बट ये बहुत छोटी है तो मेरे हिसाब से इसका कोई इतना यूटिलाइज होगा नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो चौड़ाई है वो भी अच्छी खासी देनी रखी है, क्योंकि अगर कोई फैट बंदा इसे पहनेगा तो मेरे को नहीं लगता ये आएगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने पूरी ओपन कर दी है उसके बावजूद भी इतनी सी ही जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा बन नहीं पा रही है। और मैं इसके अगर बैक पैडिंग की बात करूँ तो बहुत ही पैच दे दिए हैं, कोई ज़्यादा पैडिंग नहीं दी है अकॉर्डिंग टू सफारी सीख के, बट इसमें एयर फ्लो के लिए ध्यान रखा है कि एयर फ्लो रहे, जैसे कि गियर्स टर्बो में नहीं है, उसमें फ्लैट पैडिंग है। अब चलते हैं हम इसके कंपार्टमेंट पर। तो सबसे पहले हम एक चैन दी हुई है ऊपर, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये आपका ऊपर का पॉकेट है जिसे यूटिलिटी पॉकेट बोल सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है ये जो पॉकेट है, और इसकी जो चैन है ठीक क्वालिटी की नज़र आ रही है। इसी तरीके से एक चैन और दे रखी है इसी के नीचे, ये भी काफ़ी गहरा नज़र आ रहा है मेरे को। इसमें जो दे रखी है इसमें पॉकेट्स भी दे रखी हैं छोटी छोटी, तो इसमें आपको जैसे वायर हैं, कुछ वायर रखनी हो, आपको चार्जर रखना हो तो वो रख सकते हो आप इसमें। आप सैनिटाइज़र और पेन के लिए पेन होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस दे रखा है, इसमें आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल में जा रहे हो तो यहाँ पर चम्मच लगा सकते हो या कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ आप होल्ड कर सकते हो, और इसमें काफ़ी स्पेस है, आप यहाँ टी शर्ट वगैरह या जो चीज़ आप जल्दी से पहननी है तो वो आप इसमें रख सकते हो। और इसी के साथ आपको इसमें की लेसेस भी दे रखी है जिससे कि आप अपनी की अगर है तो इसमें लगा सकते हो, बाइक या घर या आपके कार की। तो अब चलते हैं इसके मेन कंपार्टमेंट की ओर। अगर मेन कंपार्टमेंट की बात करूं तो मेन कंपार्टमेंट काफ़ी ही गहरा है, तो काफ़ी डेप्थ आपको मिलती है इसको सामान रखने के लिए। और जो इसका डिज़ाइन है वो औरों की तरह नहीं है, जैसे कि उसमें सूटकेस की तरह खुल जा रहा था, इसके साइड में भी कोई वो हैंडल नहीं दिया हुआ है, बस इसके टॉप में ही हैंडल दिया हुआ है। अब इस पर यहाँ एक पॉकेट भी दी हुई है जिसमें छोटा मोटा सामान जो आपका इंपॉर्टेंट सामान है इसमें रख सकते हैं, जिससे कि आपका अंदर रहे और ओपन ना करे कोई चोर वोर कोई लेकर ना जाए। अब चलते हैं हम लैपटॉप कंपार्टमेंट की तरफ। तो लैपटॉप का जो कंपार्टमेंट में सेम है, पीछे की तरफ ही इसमें लैपटॉप का कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो और ये गहराई है इसकी, जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है वो 17 इंच का लैपटॉप की क्लेम कर रही है, मुझे भी लगता है कि इसमें 17 इंच का लैपटॉप आ जाएगा क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसमें। जैसा कि मैंने आपको इसके बैग के सारे फीचर बताए, तो इस बैग के जो प्राइस हैं वो हैं 2075, और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये 1 kg का बताया जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये 1 kg का है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो 60x24x36 cm इसकी लंबाई विड्थ और हाइट है। और इसकी जो अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी इसकी 1 साल की वारंटी है, मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट है। और अगर आप कस्टमर रिव्यू देख पा रहे हो तो इस तरीके के इस पर रिव्यू करे गए हैं, लोगों ने खुद लिखा है कि ये कैबिन में हम ले जा सकते हैं इस बैकपैक को। तो इसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार दे रखी है अमेजोन पर।
तो दोस्तों आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन बैगों की दे दी होगी। अगर कुछ रह गई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम ऐसी वीडियो लाते रहें और आपको नए नए रिव्यू देते रहें। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद।